अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक चाइनीज़ रेसिपी शेयर की है, हक्का नूडल्स। आसानी से हम घर में बना सकते और अपने बच्चों की ख़ास ये पसंद होती है। आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर बच्चों को दे सकते। पहले हमने सब्जियों को बारीक सा कट कर लेना है। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल है बस काट के इसको रख लेना है। शिमला मिर्ची, गाजर, प्याज, ये हक्का नूडल्स का पैकेट है, पूरा एक पैकेट लिया है। पहले पानी गर्म करने को रख दे, उसके बाद पानी गर्म होने पर ये नूडल्स पूरे के पूरे ऐड कर दिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल, खाने का जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो एक टेबल स्पून ऑयल डाला है और नमक हसबे ज़ायका डालकर उसको अच्छे से उबाल लें। अभी अच्छे खासे उबल चुके हैं, अब उसको पानी ड्रेन कर लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं और ऐसी बड़ी सी थाली में फैला लें। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि वो एक दूसरे को चिपक ना सके। उसके बाद हमने ठंडा पानी भी डाल देना है तो ये आपस में नहीं चिपकते। इस तरीके से पानी डालकर उसको रख लें। इसके बाद इन सब्जियों को ले लें। एक कढ़ाई में पहले हम तेल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, उसमें सब सब्जियों को ऐड कर लें। प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, इन सबको थोड़ा सा नरम कर ले और उसके बाद हमने ये बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देना है। देखो पूरे के पूरे नूडल्स हमने ऐड कर दिए हैं। आसान रेसिपी है, आप अपने बच्चों को बना के ये दे सकते हैं क्योंकि ये बच्चों की ख़ास पसंद होती है। उसके बाद हमने ऐड करना है सोया सॉस। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्ची, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं रहता इसलिए हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्ची ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और या टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये तैयार है, इसको हमने डिश आउट किया है, ऊपर से हरी पत्ती वाली जो प्याज होती है उससे गार्निश किया है। तो कैसी लगी ये रेसिपी, लाइक और शेयर करें।